हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से लिया गया है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो साथ ही साथ 2 से 3 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप यहाँ नीचे देख सकते उत्तर है। तो आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है। चलिए उत्तर हम यहाँ पे लिख चुके हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे करके मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि देखिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, यानी लिंग निर्धारण का मतलब हुआ कि लड़की होगा या लड़का। ठीक है, तो लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ये आपके क्वेश्चन दिया गया आपके एनसीईआरटी के बुक में, देख लेना। राइट, तो यहाँ पे जो दिया गया हमारे पास पाला कि लिंग गुणसूत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है, तो लिंग गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है। और महिला और पुरुष में सभी में क्या होता है, अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पुरुष में होता है XX गुणसूत्र और महिला में होता है XX गुणसूत्र और पुरुष में होता है XY गुणसूत्र। राइट, तो यहाँ पे चलिए अब हम समझते हैं सभी के बारे में दूसरा स्टेप से। दूसरा स्टेप में दिया गया यहाँ पे कि महिला में दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। महिला में क्या होते हैं, दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, यानी एक्स और एक्स, ये दोनों क्या है, समान है, एक जैसा है। राइट, तो याद रखना कि महिला में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी एक जैसा, जिसका नाम है एक्स और एक्स। ठीक है, थर्ड में हमने लिया कि पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पुरुष में क्या होते हैं, दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई, यानी एक्स वाई। याद रखना कि पुरुष में गुणसूत्र कौन कौन होते हैं, तो एक्स और वाई होते हैं। राइट, और याद रखना कि पुरुष में दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि दूसरी में वाई गुणसूत्र होते हैं। इस सब से ये भी पता लगा कि भाई शुक्राणु किस में पाए जाते हैं, तो पुरुष में पाए जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं शुक्राणु जो लिखा गया है, शुक्राणु किस में पाए जाते हैं, तो पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु में गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, एक होता है एक्स गुणसूत्र और एक होता है वाई गुणसूत्र। ठीक है, अगला स्टेप हम यहाँ 5वें नंबर में आप देख सकते हैं लिखा गया कि महिला एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करते हैं जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ समझो कि महिला क्या करता है, एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो याद रखना कि अंडाणु किस में होते हैं, तो महिला में होती है। किस में होते हैं अंडाणु, महिला में, और शुक्राणु किस में, तो पुरुष में। राइट, तो महिला एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करते हैं जिसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं, सिर्फ केवल एक्स गुणसूत्र, यानी एक्स एक्स होता है। ठीक है, ओके, तो अब ये तो आप समझ गए। तो आखिर ये बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, यानी लिंग गुणसूत्र के द्वारा तो होता है, चलो, लेकिन कैसे होता है ना। तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास है यहाँ पुरुष, ठीक है, और यहाँ पे है महिला। राइट, समझो यहाँ पुरुष और यहाँ पे महिला समझो। तो पुरुष के गुणसूत्र हमें लिखना पड़ेगा और महिला के गुणसूत्र हमें लिखना पड़ेगा पहले। तो पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है आप बताओ। तो भाई देखो, पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो मैंने ऊपर बताया क्या होता है, एक्स और वाई होता है। ठीक है, एक्स और वाई, और महिला का एक्स एक्स, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, यदि पुरुष का एक्स महिला के एक्स से जा कर के मिलता है, महिला के एक्स से जाकर के मिलता है, तो हमें क्या प्रभाव बनता है, एक्स और एक्स बनता है, जो कि एक लड़की का निर्माण होता है। एक्स एक्स जब बनेगा तो क्या होगा निर्माण, लड़की का निर्माण होगा। ठीक है, और जब हमारा वाई जा करके किससे मिलता है, एक्स से इस मिलता है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स वाई जब बनता है तो ये किसका निर्माण होता है, तो ये होता है लड़का का निर्माण। राइट, तो अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि पुरुष से क्या जाता है, एक्स जाता है या वाई जाता है, कौन सा गुणसूत्र जाता है। एक्स जाएगा महिला के गुणसूत्र में तो डिफिनेटली है कि उसे लड़की पैदा होगा। ठीक है, अगर वाई गुणसूत्र जाएगा तो उसे लड़का पैदा होगा। राइट, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इस तरीके से। और ये 5 नंबर के आता है, आपको नोट कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन हमारे पास है, फिर यहाँ से 3रा नंबर में आओ, फिर उसके बाद यहाँ से देखो
चौथा नंबर, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखो पांचवा नंबर, राइट। और ये आपको नोट कर लेना, राइट। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।